हाय गाइस, आज है डे 59 75 हार्ट चैलेंज का। और गाइस, आज पता नहीं क्या हुआ कि मॉर्निंग में वर्कआउट करने के बाद ही कमर में इतना ज़्यादा पेन हुआ गाइस, जहाँ पे हमारी रीढ़ की हड्डी होती है ना, उसका जो एंड होता है गाइस, तो गाइस वहाँ पे इतना ज़्यादा पेन हुआ कि ना तो उठा जा रहा है और ना ही बैठा जा रहा है गाइस। जब मैं बेड पर से भी उठ रही हूँ तो सहारा लेकर उठना पड़ रहा है, इतना ज़्यादा पेन हो गया। और आज ही मैंने 2-3 एक्सरसाइज नहीं निकाली थी गाइस, और वो करी भी हैं, तो मुझे लग रहा है कि शायद उनसे कुछ हो गया। अब पता नहीं गाइस किस चीज़ से हुआ है, पर पेन इतना ज़्यादा है कि हिलना डुलना भी मुश्किल हो रहा है। तो आज गाइस इसलिए डोसे वगैरह की कुछ भी रेसिपी शेयर नहीं हो पाएगी। आज वेज पुलाव बनाया था, उसकी क्लिप मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, वो भी मैं बनाने की नहीं लगा पाई गाइस, क्योंकि पेन इतना ज़्यादा है गाइस, एक गिलास पानी भी नहीं लिया जा रहा। और हो सकता है गाइस जो नई एक्सरसाइज मैंने निकाली थी वो लेग की थी, मेन लेग और हिप्स की थी वो, तो उनसे लग रहा है मेरे को, क्योंकि मैंने वही करी आज ने। तो गाइस इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि जो भी एक्सरसाइज करें उसको कम से कम स्टार्ट करें, क्योंकि जब हम कम से कम करते हैं तो ये तो गाइस हो गया मेरे से। हो सकता है कोई पोजीशन ऐसी हो गई हो मेरे से जो मैंने गलत कर दी हो उस एक्सरसाइज को, इस वजह से हो गया, वैसे ही ठीक हो जाएगा गाइस। पर गाइस आप भी देख कर करें, क्योंकि कई बार हमारे बहुत ही ज़्यादा पेन हो जाता है वर्कआउट करते समय, और पेन इतना ज़्यादा है गाइस आज मेरे से बोला भी नहीं जा रहा बिल्कुल भी। सो गाइस पहले अपनी वर्कआउट को कम्प्लीट करा, और आज मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था, तो गैस जो हरी मटर होती है उसका और पनीर का सैंडविच बना लिया था। खाने में अच्छा लग रहा था, हरी चटनी लगा ली थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था सैंडविच खाने में। और गैस लंच में लिया था ये पुलाव लिया था, जिसकी मैं फ़ोटो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। गैस वेजिटेबल पुलाव है, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, एक बार बनाकर जरूर देखिएगा। रेसिपी मैं आप लोगों के साथ जल्दी से जल्दी शेयर करूँगी। और गैस उसके बाद अपने वर्कआउट को जैसे ही कंप्लीट करा था उसके बाद ही पेन होने लगा था, तो समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ। मेडिसिन वगैरह ले लिया पर उसके बाद भी नहीं पता चल रहा था। मेडिसिन गैस ऐसे कोई गोली नहीं लिया, हाँ पर स्प्रे वगैरह लगा लिया था कमर पे, तो उससे थोड़ा सा ठीक लग रहा है, मतलब अभी हिला डुला तो गैस बिल्कुल भी नहीं जा रहा, ना ही बैठा उठा जा रहा, पर ठीक लग रहा है। और गाइस हाँ, एक चीज़ और मैंने देखी कि जब से मैंने वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया गाइस, पता नहीं क्यों नींद का थोड़ा सा मेरा साइकिल बिगड़ गया, मतलब नींद या तो बिल्कुल ही कम आ रही है, और लग के तो नींद आई नहीं रही गाइस, टूट टूट के नींद आती है। मतलब पहले ऐसा नहीं था, पहले जब मैं सोती थी तो बहुत ही अच्छे से नींद आती थी, पर जब से वर्कआउट स्टार्ट करिए गाइस, पता नहीं इसमें ऐसा होता है या नहीं, पर नींद गाइस सही से नहीं आती, मतलब टूट टूट के नींद आती है। और अगर आँख खुल गई तो फिर खुल गई, ऐसा भी नहीं है गाइस लेजी फील होता है, टायर्ड महसूस होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, एनर्जेटिक महसूस होता है हर समय। अगर रात के 3 बजे भी आँख खुलती है तो उस समय भी ऐसा लग रहा होता है जैसे एनर्जी बहुत है शरीर में, पर हाँ थोड़ा सा नींद का साइकिल बिगड़ गया गाइस, पता नहीं क्या हो गया। अब वो मुझे नहीं पता कि वर्कआउट की वजह से हुआ है या किसी और वजह से हुआ है। सो गाइस कल देखते हैं कि मैं एक्सरसाइज कर पाऊँगी या फिर नहीं, क्योंकि गाइस पेन इतना ज़्यादा है कि जो शाम की होती है मुझे तो वो भी नहीं लग रहा कि मैं कर पाऊँगी। और गाइस पर मैं वॉक जरूर करूँगी अगर मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाई, और गाइस कल की कल देखेंगे। और अगर आप मेरी इस वेट लॉस जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं देन डू सब्सक्राइब।